विचार मैंने सुने, थोड़ा सा उससे मैं अलग निकला था, क्योंकि ये इतना आसान लड़ाई थी। ये लड़ाई कुछ चुनावी गठजोड़ से अब हिंदुस्तान में जीती जा सकती है, अब ये उम्मीदें आप छोड़ दें। ये बहुत गहरी लड़ाई, पूरा एक फांसीवाद का, ये आरएसएस और भाजपा के लिए भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनकी का सपना है, उसके लिए जीने मरने की लड़ाई, और सेक्युलर भारत को बनाए रखने वालों के लिए ये अभी भी केवल चुनावी गठजोड़ से जीती जाने वाली लड़ाई। ये असल में इसकी गहराई को अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा कमंडल के मुकाबले मंडल आया था और जातियों के गठजोड़ से फौरी तौर पर हमने वो लड़ाई जीत ली थी, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया। और फिर देखिए, जिनको हमने ये सोचा था कि हमने खत्म कर दिया मंडल के गठजोड़ से, जातीय समूहों के गठजोड़ से, और वो अब बीती बातें हो गए, उन्होंने अपने देश में कब्जा कर लिया। और मैं समझता हूँ ये कब्जा हो गया। अगर देश दुनिया का पांचवी आबादी के लिहाज से पांचवा देश उत्तर प्रदेश, अगर वहां एक मुख्यमंत्री वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू लाइफ जो है, मतलब हिंदू राष्ट्र कहना कोई गलत नहीं है क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ है, तो इसका मतलब है उन्होंने अब शुरुआत कर दी और वो कहीं से भी अब पीछे हटने को तैयार है। क्योंकि मोदी के आने के बाद जो बहुत सारे साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे दलित समूहों ने जो विरोध किया था, और मोदी जो हालांकि 2014 का भी चुनाव विकास के साथ साथ सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ा गया, उसमें भी एक सांप्रदायिक विभाजन हुआ था हिंदुस्तान का, तभी मोदी को इतनी सीटें मिली। लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था, नौजवानों को रोजगार देने का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा उभरा था, जिसके लिए उन्होंने तरह तरह के उपाय बताए। किसानों की आत्महत्याएं, 2 लाख गरीब किसानों ने आत्महत्या गाँव में की थी, न्यूलिबरल इकोनॉमी की जो बात आप करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला उसका है रियल सेक्टर के ऊपर। तो 2014 वो जीत गए, तो उसमें विकास का और नए सपने, अच्छे दिन और ये सब बातें थी, उसके साथ साथ एक सांप्रदायिक भाजपा भी था देश में। और उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर 2014 में उनको वोट किया था, और जिसकी वजह से वो दिल्ली के चुनाव में सम्मान। 2.5 साल में हमने देखा कि बहुत विरोध हुए पूरे देश में और बहुत तरह की आवाजें उठी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जो पकड़ है वो कमजोर नहीं बल्कि और पुख्ता हुई। इसके कारणों को हमें ढूंढना होगा। ये कमंडल के मुकाबले मंडल को खड़ा करके आप फौरी तौर पर तो जीत सकते हैं, लेकिन जो वैचारिक लड़ाई आरएसएस, भाजपा और उनके संघ परिवार के लोग लड़ रहे हैं, उसको बिना विचारधारा के तो साथ में जोड़े हुए आप आप समझिए कि बहुत बड़ा ढांचा है आरएसएस के पास। उनके पास बहुत बड़ी जमात स्कूलों की है, उनके पास कम से कम कई लाख स्कूल है, आदिवासी इलाकों में एकल विद्यालय है, उनके अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, मदरन दल, ये वो करके एक बहुत बड़ी फौज उन्होंने खड़ी की है, इसको आप अंडरमाइन मत कीजिएगा। और अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी उन्होंने जीत हासिल की वो ये की कि दलितों से ओबीसी को तोड़ दिया और मुलायम से ओबीसी को तोड़ दिया, और वो अपर कास्ट से उन्होंने अपना दायरा बढ़ा करके ओबीसी तक फैला दिया, और ये बिना विचारधारा और कमिटमेंट के नहीं हो सकता। उनका कमिटमेंट है, उनके कार्यकर्ता है, समर्पित लोग हैं। हमारे जो सेक्युलर साथी है जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, उस समय वो गांव गांव गली गलियारों में घूम रहे थे, क्योंकि उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। इस बात को अगर आप नजरअंदाज कर देंगे और बहुत सरल तरीके से खाली आप बता देंगे कि मुलायम, और मैं आपको बोलता हूं कि अभी बिहार में चुनाव आपने जीत लिया पिछली बार, लेकिन फिर चुनाव बिहार में होगा तो भाजपा आरएसएस के खतरे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा। गांधीयन जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करते थे, वो खत्म हो गए। कांग्रेस ने खत्म कर दिया उसको, कांग्रेस ने नेहरू से रिश्ता तोड़ दिया, और ठीक उसी
तरह से सुविधा भोगी और अवसरवादी तरीके अब उन्होंने अख्तियार करने शुरू कर दिए और कारपोरेट को बढ़ावा देकर के और नीचे तक फैलाना जो राज्य की जिम्मेदारियां थी उन्होंने के काम खरीद फरोख्त बाजार के हवाले कर दिया। इकोनॉमिक लेवल पर भी, सांस्कृतिक लेवल पर भी और सामाजिक लेवल पर भी ये जो सेकुलर पार्टियां हमको देती है ये रूथलेस है, इनके कोई भी अवरूप नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और उसका नतीजा है कि भाजपा इतनी मजबूती के साथ बढ़ती चली जाती है। और इसलिए देखिए दो बड़ी डेमोक्रेसीज की हम हालत देख रहे हैं। एक डेमोक्रेसी हमने देखा धराशायी हो रही है, मैं धराशायी तो नहीं शब्द कहूंगा लेकिन अमेरिका में दो बड़े लोकतंत्र हाल फिलहाल में आपके सामने है। अमेरिका में भी जो ट्रंप का आना है वो इन्हीं मुद्दों पर है, जो मुस्लिम मेजोरिटी के कंट्रीज हैं वहां से लोगों के आना रोकना और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने करना, ये दो बड़े मुद्दे ट्रंप के उठा रहे। और लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी की तारीफ करनी होगी कि ट्रंप के आने के बाद सिविल सोसाइटी और लोगों में जबरदस्त प्रतिरोध हुआ है। एयरपोर्ट पर एक मुस्लिम आदमी को खड़ा करते हैं और हर आदमी जो एयरपोर्ट में आता है वो पहले उससे गले मिलता है, प्रोटेस्ट का तरीका देखिए। पड़ोसी जाता है अपने बगल के मुस्लिम परिवार के यहाँ और वहां कहता है कि हम आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे देश में कल गांव में कोई घुसेगा और किसी मुसलमान से कहेगा कि तुम गांव छोड़ दो तो क्या गांव का हिंदू पड़ोसी जाएगा उसके घर में, कुछ घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये डिवीजन कर दिया है हिंदुस्तान, इसको समझने की कोशिश। मैं जिस गांव में रहता हूं अपने, मतलब जिस गांव का हूं, दो तीन मुस्लिम परिवार है, उन सारे मुस्लिम परिवारों के यहाँ जब भी शादियां होती थी हमारे हिंदू भाई लोग जो है वो अपने घरों से सारे सामान लेते थे, किसी का इंतकाल होता था तो लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। ये सारी बातें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वो भी हमारे यहाँ आते थे। हमने देखा है गाजीपुर के संसार के इलाके में गंगा के उस किनारे हिंदू परिवार है और दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार है, दोनों भाई है, शादी में की रस्म शुरू नहीं होती जब तक उधर से मुस्लिम भाई उनके यहाँ न पहुंचे। ये सब परंपराएं हमारे, ये सब रवायतें थी जो बड़ी गहरी थी सेकुलर जमी, जिसको हम गंगा जमी तहजीब बोलते थे, इसको तोड़ दिया गया है, तोड़ा जा रहा है और मैं कहूंगा कि काफी हद तक इसको कमजोर कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं हुआ मामूली, हम तो खाली चुनाव जीतने के जुगत में लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। इस बात को समझिए, धर्मनिरपेक्षता हमारी रगों में नहीं है लेकिन हिंदू राष्ट्र उनकी रगों में है। धर्मनिरपेक्षता हमारा बिलीफ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता को हम इस्तेमाल करते हैं खाली हथियार के बतौर वोट देने के लिए। धर्मनिरपेक्षता हम जीते नहीं है लेकिन हिंदू राष्ट्र को जीते हैं, इसको समझे। दुश्मन की ताकत को समझ के ही कोई स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं और अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे और बहुत हल्के फुल्के ढंग से हम कह देंगे कि इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आप, उसमें मत उलझाइए, तो जीत लीजिए आप, कर लीजिए, हिंदुस्तान को बचा लीजिए। आपने उस समय बचाया था 77 में और आपके कितने साल हुए थे, 10-12-15 साल हो गए, कब्जा कर लिए, हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिए। हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, मूर्खों को लाके बिठा दिया। इतिहास परिषद में एक ऐसे आदमी को बिठा दिया जो कहता है वर्ल्ड व्यवस्था से बढ़िया कोई व्यवस्था ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को देखिए, इंस्टीट्यूशन से कब क्या करता है और आपको अलगाव में डाल रहे। और मैं आपको कहता हूं इसीलिए वो कह रहे हैं इस समय कि हमने नेशनलिज्म की लड़ाई को दी, अब अगर आप इस देश में राष्ट्रवाद की बहस चलाएंगे तो उसके चैंपियन वही माने जाएंगे, आप नहीं हैं उसके चैंपियन। और वो कहते हैं कि वो लड़ाई हमने जीत ली, तो अगर नेशनलिज्म की उन्होंने लड़ाई जीत ली तो आर्थिक मोर्चे पर क्या हो रहा, विकास के मुद्दे पर क्या हो रहा, हम क्यों नहीं घेरते उनको वहां। हमारे लिए किसानों की आत्महत्याएं अभी भी हो रही है, किसान नंगे होकर पार्लियामेंट के सामने घूम रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको मुद्दा क्यों नहीं बनाती। रोजगार घट रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का उन्होंने प्रचार कर दिया कि अमीरों के खिलाफ मोदी लड़ रहा है डिमोनेटाइजेशन से और लोगों ने मान लिया क्योंकि आप जो कहते हैं आपकी क्रेडिट नहीं है।
क्रेडिबल अपोजिशन नहीं है हिंदुस्तान में, मैं कहना चाहता हूं। ये लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान के ताने बाने को बचाने, देश को बचाने की है। इसको जो है, इसकी प्रगतिशील जो उपलब्धियां है उसको बचाने की है। और ये देश तभी आगे जा सकता है जब, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने आईन अपना बनाया है वो आईन हिंदुस्तान का बहुत बेहतरीन आईन है, उसकी हिफाजत करने को। अब तो वो आईन को भी बदलने की बहस शुरू कर दिया हो, क्योंकि अब तो वो राज्यसभा में बहुमत ले लेंगे और वो कहेंगे कि हम तो आप। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा खतरा है, और उसके लिए कितना वो झूठ बोल सकते हैं, कितना वो आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस हद तक जा सकते हैं। आप उनको समझते हैं, वो गणेश को दूध खिला दिया उन्होंने पूरे देश में, इस तरह के लोग हैं तो झूठ बोलने के लिए कोई फर्क आसान नहीं। मैं कहता हूं कि ये उनकी जीत नहीं है, हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे ये उनका जो उनकी हार, जो भी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव थे। आप बताइए मायावती जी एक चुनाव से दूसरे चुनाव में सक्रिय होगी और वो सोचेंगे कि दलितों की मजबूरी है कि उनको वोट करेगा, और कोई उनका सांस्कृतिक रूपांतरण नहीं करेगा। अंबेडकर का नाम लेंगे लेकिन अंबेडकर की शिक्षा जो नीचे तक नहीं ले जाएंगे कि अंबेडकर ने क्यों जाति प्रथा पर हमला किया था। अगर ऐसे लोग सोशल जस्टिस के वाहक हैं तो भाजपा नहीं आएगी तो कौन आएगा। मुलायम सिंह का पूरा लोहिया ने परिवारवाद के खिलाफ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और मुलायम का पूरा समाजवाद उनके परिवार में सिमट गया, और वो सोचेंगे कि लोग हमको पिछड़ी जाति है हमको वोट करेंगे और उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, खाली जाति ही जो है हमारा नेटवर्क है। तो जात के अलावा भी तो आदमी है, कुछ सोचता है, समझता है, उसके दिमाग में ब्रेन है, उस जो मीडिया चल रहा है, जो कारपोरेट चल रहा है उससे उसको प्रभावित होता है, उसके भी अपने सपने हैं। अब उसको वो खाली आगरा एक्सप्रेस वे का बखान करते रहे, लैपटॉप बांटते रहे और कहने लगे अगली बार आऊंगा तो मोबाइल बांटूंगा। लोगों की जरूरत ये नहीं है, और इसने घर घर में उज्ज्वला गैस पहुंचा दिया, इसने दलितों की टोलियां बनाई, पिछड़ों की टोलियां बनाई, उन्होंने बड़े पैमाने पर सुई यात्राएं निकाली तो दलित बस्तियों और घुस गए। तो मुझे लगता है कि इस समय सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं देखिए मैं आपको बता दूं, 40 चोर भी इकट्ठे हो गए तो क्या हो जाएगा। इस समय बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रास रूट पर, देखिए सभी बेचैन हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खाली अल्पसंख्यक नहीं बल्कि वो सारे लोग बेचैन हैं। क्योंकि कितना भी कीजिएगा तो यूपी के चुनाव में जितना भी कीजिए ताकि तो 40% से ज्यादा वोट तो नहीं मिला, तो इसका मतलब 40 या 42 कितना परसेंट, 50% से ज्यादा वोट तो अभी भी है, और 40 में भी कुछ लोग तो चले गए, इसीलिए गए होंगे कि भाई अब सब जगह से निराश हो गए, जरा इसको इसके साथ थोड़ा जाए। लेकिन भाजपा आरएसएस का इरादा साफ हो गया योगी आदित्यनाथ को लाने से। आदित्यनाथ भाजपा के अंदर वाहिद एक ऐसा आदमी है जिसका सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है, जहर उगलता है, बस्तियां जलाई है, मौके पे जाके उसके काफिलों से फायरिंग हुई है। वो उसको लाने का मतलब है कि भाजपा आरएसएस ने इरादा साफ कर दिया कि आने वाले दिनों और कोई 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 अगर हमारी राजनीतिक पार्टियों की यही हालत रही, कांग्रेस ने नेहरू को छोड़ दिया, मायावती ने अम्बेडकर को छोड़ दिया, अमित मुलायम ने लोहिया को छोड़ दिया, ये सब अपने उसूलों से हट गए और सब इस यही तरह के राजनीतिक मॉडल और आर्थिक मॉडल में घूम रहे हैं। अभी उनका पूरा प्लानिंग है 2019 में मोदी को रिपीट कराए और 2024 में योगी को ले आए और तब वो कमल हिंदू राष्ट्र बने। ये है उनका पूरा सीधा सीधा रास्ता। अब इसमें आपको, और ये बात सही है, कुछ कंसेशन देंगे, अल्पसंख्यकों को भी कंसेशन देंगे, दूसरों को भी कंसेशन देंगे, लेकिन बराबरी का हक सबको एक तरह से मिले, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, इगलिटेरियनिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, ये आप समझ लीजिए कि उनके उसमें नहीं है, विजन में नहीं है, उनके मिजाज में। तो अब हमें करना क्या है, इसमें हमें गांव और मोहल्लों के स्तर पर लोगों को जुटाना होगा। ये देखिए हम मैं बहुत शुरू से कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान ये जो नेता है
इन नेताओं के गठजोड़ से नहीं जीता जाएगा। 10 साल की लड़ाई सोचिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, 10 साल में हिंदुस्तान में लड़ाई जीती जाएगी कोई भी, बशर्ते कि बहुत ईमानदारी के साथ उसको। अरे पहले गांधीयन नेटवर्क खत्म हो गए, वामपंथियों के भी, मोदी जिस इलाके से जीता है वो पूरी उत्तर प्रदेश आजादी की लड़ाई के भूमिका अदा किया, उसके बाद वामपंथ का गढ़, पहला सरस्वती शिशु मंदिर 1952 में गोरखपुर से शुरू हुआ था और अभी उन्होंने देश भर में जाल फैला दिया। उन्होंने शिक्षा पे काम किया और किसने किया इस देश में आप बता दीजिए, उनके कितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी शिक्षा का प्रसार किया वो किया, लेकिन अपने भी। यहां सवाल यह है कि हिंदू अगर कम्युनल हो जाएगा तो हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता, हिंदू को उसकी फोल्ड से बाहर निकालना। और एक बड़ा राजनीतिक मुझे लगता है कि एक परिदृश्य बनाने की जरूरत है, जो काशीराम जी भी सोचते थे, दलित मुस्लिम और पिछड़ों की एकता बड़े पैमाने पर, क्योंकि उन्हीं को जरूरत है सामाजिक न्याय की, उन्हीं की जरूरत है गैर बराबरी के, उन्हीं की जरूरत है बदहाली से निकलने की। तो हिंदुस्तान में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक गठजोड़ और इसके साथ साथ अपर कास्ट के जो लड़के हैं जो अभी जेएनयू में और कहीं कहीं लड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अगर आपको गठजोड़ करना है तो पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों का गठजोड़ हिंदुस्तान में कीजिए। और वो मैं आप समझ रहा हूं मैं कि वो अब पुरानी तस्वीरों से तो बहुत बात मानने वाली थी, कुछ नई चीजें इमर्ज है। मैं किसी भी तरह के प्रयास के बिना विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि खतरे को सही मूल्यांकन किया जाए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय की जाए। धन्यवाद।